काबा सर, मैच देखा कल क्या? हाँ देखा, बहुत दूर से देखने में थोड़ी मजा आता है, हमको कोई ले नहीं गया, आपको हम यहीं बैठे काबा सर, अच्छा हुआ आप यहीं बैठे थे। अब मैं को लग रहा है कि काश मैं घर पे ही रहा होता। हाँ लेकिन काश मैं घर स्कूल में पे, पढ़ा। अगर मैं घर पे रहा होता ना, तो मैं इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करता। अच्छा, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया। देखिए, मैं ना, मेरे साथ एक तकलीफ़ है, मैं डिप्लोमेटिक नहीं होता। यस ये मेरे साथ तकलीफ है, जो मुझे, मैं भाई मैं अपना पैसा खर्च करके गया, अपना मैंने वो किया, मैं फैन हूँ, मेरा जो भी है मैं वो दूंगा। तो सिंपल है, मुझे मुझे कोई मुझे डिप्लोमेटिक बनने में कोई वो नहीं कि हमें टीम पे प्राउड है, आपने बहुत अच्छा किया, 10 मैच जीते, कुछ नहीं। आप वर्ल्ड कप नहीं जीते, सारी सेटिंग्स आपकी उसमें थी। मैं तो वही कहूँगा, नहीं, मुझे डिप्लोमेसी आती नहीं है गावा एक्चुअली सर ये नहीं आशीष। कह रहे थे, गावा सर कह रहे थे आप हमें लेके जाते तो समीकरण और लक इंडियन टीम के फेवर में चला जाता हाँ, ये हो सकता है ना है। गावा सर, ये कहना चाहते थे आप। अभी वही समझना चाहिए आपको, हाँ वही समझा, वही मैं तो वही समझा। अपनी टिकट बड़ी मुश्किल से बात तो मिलती अच्छी नहीं है, एंड रात को इतनी देर से आए होंगे या कल आज सुबह आए मुझे पता नहीं। नहीं, आज सुबह सुबह आया हूँ गाबा सर। आज सुबह सुबह 5 बजे घर पहुंचा हूँ, और बस फिर नहा धो के इस दिस ऑफिस। इज कमिटमेंट, हैट्स ऑफ टू यू। अगर यही कमिटमेंट शायद कुछ प्लेयर्स दिखा देते। कल के दिन तो यार वही मिसिंग था। खैर गावा सर, आज हाय का वेल, टॉप कॉल कौन सा? आज का टॉप कॉल है गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वो है टाटा कंज्यूमर। उसका रीजन ये है कि इसमें बेसिकली स्ट्रेंथ है और डेमोन्स्ट्रेट हुई है। ट्रेड कर रहा है 930 के आसपास क्लोज हुआ है, 5 रुपए का स्टॉक होना चाहिए, 925 का ज्यादा नहीं। अगर आपको मिलता है तो पॉसिबल है कि 950 भी जा सकता है। तो यस, टाटा कंज्यूमर में स्ट्रेंथ है, इसको डेमोन्स्ट्रेट है यहाँ पर। ओके, टाटा कंज्यूमर में स्ट्रेंथ है, तो इसको आप प्ले करिए। ये हो गई गाबा सर की पिक। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए आपकी पिक। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, गोदरेज कंज्यूमर इज माय पिक। 996 का क्लोजिंग दिया है काउंटर ने, एंड डेली चार्ट्स अगर आप देखें, लिटिल प्रियम्प्ट कर रही हूँ, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर निकलने की तैयारी में है काउंटर। स्ट्रेंथ दिखा रहा है इसके लीडिंग इंडिकेटर्स भी। सो 996 की क्लोजिंग है, प्रीवियस डे हाइज की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 1015-1020 के प्राइस टारगेट्स के लिए गोदरेज सीपी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 985 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, आज ये कंजम्पशन थीम अब तक चमक रही है, आगे देखते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस जी, आज का प्रिफर्ड आइडिया सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एलएनटी में खरीदारी करनी है, क्योंकि एलएनटी के अगर आप पैटर्न्स देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2850 के आसपास लोज बने थे, उसके बाद से लगातार हाई टॉप हायर बटन बन रहे हैं। 20 डे मिंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और अब तैयार है स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 3079 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैश लेवल्स है। 3079 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 3175 3175 के आपको टारगेट सेट करने हैं एलएनटी में। 3100 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है, 45 रुपए की क्लोजिंग थी तो वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 29 रुपीज का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में आप 85-90 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, लासन एंड ट्यूब रो, चलिए ये होगी मानस की पिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट पैक पे ध्यान देना चाहिए थ्रू आउट द वीक। काफी सारे स्टॉक्स में एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट सारे सीमेंट स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार था, बट वहां पर दालमिया भारत ने जिस तरीके से एक यू टर्न लिया है, अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मिला है, एक 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल होना चाहिए थ्रू आउट द डे। 2265 एंड 2340 ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है 2200 लेवल के ऊपर का, तो 2186 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम अभी भी चेस किया जा सकता है। इंट्राडे टारगेट होगा 2265 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 2340 का। खबरों में भी है दालमिया भारत, स्टॉक्स न्यूज में आगे आएगा, रेडार पे रखिए। ये है सचिन का आज का प्रेफर्ड आइडिया। सत्यदेव साहब, गुड मॉर्निंग। सत्यदेव साहब, आज का पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुजन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है कैपिटल गुड्स पे और उसमें से एक चुनना है, देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एबीबी। एबीबी का अगर आप डेटा देखें फ्राइडे का, तो फ्राइडे ओपन इंटरेस्ट 10% घटा था और प्राइस बढ़ा था। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी।
और ये जो शॉर्ट कवरिंग थी अकॉर्डिंग टू मी इसका जो टारगेट बनेगा क्लोजिंग था 4300 का, आज का टारगेट है 4400 से लेके 4440। तो मुझे लगता है आज एबीबी ये बाय रडार पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस होगा 4250। ओके, एबीबी हो गई इस समय राजेश जी की पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज की मेरी ट्रेड रहेगी कोलपाल पे, खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरे एफएमसीजी पैक में हमने देखा है कि अच्छा मूव देखने मिला है, पिछले चार महीने के हाईज एफएमसीजी इंडेक्स निकालता हुआ देखने मिला और 52,750 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देने में सफल रहा है। मोस्ट ऑफ द एफएमसीजीज में भले ही नेस्ले, एचयूएल और जो गाबा जी कविता जी की पिक है उसमें भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। कोलपाल ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है और इन लेवल्स पे भी इसमें अच्छी बाइंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो 2135 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2195 का फर्स्ट टारगेट एंड 2230 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। एफएमसीजी रडार पे भाई, तीन पिक्स तो उसी स्पेस से आ गई, उसके बाद कैपिटल गुड्स, उससे जुड़े हुए सारे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक टेक्नो फंडा आइडिया के लिए चलते हैं मयूरेश के पास। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, कैसी रही कल रात, घर से या कहीं बाहर गए थे? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं, बाहर थे हम और बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, सो आई थिंक सबसे बढ़िया मौका था इंडिया के, तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड इंडिया शुड हैव वन दिस, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। एनीवे आई थिंक जो मार्केट्स विद इंडिया में हमें एक सेक्टर पसंद आ रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक एज अ थीम ओवर द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स और जो हमें लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में भी ठीक ठाक करेगा, वो है पावर, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा। और इसको मद्देनजर रखते हुए विद इन द पावर स्पेस हमें लगता है CESC इस पे ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। 2-3 ट्रिगर्स ये स्टॉक के लिए, पहला आई थिंक इनके जो ओन्ड जनरेशन कैपेसिटीज है धारीवाल और हल्दिया के, यहाँ पे PLF शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग क्वाइट रीजनेबली। पावर डिमांड हमने ऑलरेडी देखी है, अच्छी खासी बढ़ चुकी है और एक्सपेक्टेशन है अगले 2 तिमाहियों में ये PLF फैक्टर बिकॉज ऑफ डिमांड कंडीशन बरकरार रहेंगे। T&D लॉसेज में जो एक कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है दैट ऑल्सो हेल्प्स दी EBIT एंड EBIT मार्जिन्स ऑफ द स्टैंड अलोन बिजनेस। जहां तक फ्रेंचाइज बिजनेस का सवाल रहा है, स्पेसिफिकली मालेगांव या उनके राजस्थान ऑपरेशंस, हमारी उम्मीद ये है कि इन FY24 यानी अगले वित्त वर्ष में ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी में DF बिजनेस यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज वाला बिजनेस है ये आना चाहिए। और अगर ये होता है तो आई थिंक जो कंसोलिडेटेड नंबर्स पिछले तिमाही यानी Q2 में CESC ने रिपोर्ट किए थे ये काफी अच्छे थे और एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखा जा सकता है अगले कुछ तिमाहियों में। डेट इक्विटी अराउंड 0.8 टाइम्स है जो रिड्यूस होनी चाहिए विद इम्प्रूव कैश फ्लोज, और डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास है जो एक एडिशनल फैक्टर बनता है CESC के लिए। वैल्यूएशन एट अराउंड 1.2-1.25 प्राइस टू बुक बहुत महंगा नहीं है क्योंकि जो रेगुलेटेड ROE मॉडल है ये इंश्योर करेगा कि बुक वैल्यू अक्रिटिव रहे एज अदर एसेट स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग। तो हमें लगता है आई थिंक CESC ये लेवल्स पे एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। 20-25% के हम अपसाइड देख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 91। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट टू क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में। ठीक बात है, लेकिन बहुत अच्छे मूव पिछले कुछ दिनों से, महीने भर का चार्ट उठाइएगा देखिए क्या CESC मूव दिखाना शुरू कर चुका है। रडार पे मयूरेश के अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड आने वाले समय में शायद स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आए। बहुत दिनों बाद इस ग्रुप की कोई कंपनी वापस रडार पे लौटी है, ये रखिए रडार पे। खैर क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप टेन कह रहा हूं आज के टॉप कॉल्स। गाबा सर ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी करने की बात करी है, बेसिकली स्ट्रेंथ है आजकल, पता नहीं क्यों स्ट्रक्चर पॉजिटिव है नहीं बोल रहे हैं। 925 का स्टॉप है, 950 के लक्ष्य। कविता जी को गोदरेज कंज्यूमर पसंद आ रहा है, 985 का स्टॉप है, 1015-1020 के लक्ष्य है। लार्सन एंड टूब्रो फ्राइडे को बहुत बढ़िया 2% का मूव, आज खबरें थोड़ी सी खराब सी हैं पर इसके साइज के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, फिर भी नीचे आया तो मतलब है सीधा सीधा खरीदना है, चार्ट पे स्ट्रेंथ है। 3079 का स्टॉप है, 3175 का लक्ष्य है। सचिन का सीमेंट्स पर ध्यान है और उसमें दालमिया भारत पसंद आ रहा है, खरीदारी है। 2186 का स्टॉप, 2265 से 2340 के लक्ष्य। सतपुते साहब को कैपिटल गुड स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो L&T हो ही गया था, ABB भी आ गया। 4250 का स्टॉप है, 4400-4440 के लक्ष्य है।
एक और एफएमसीजी प्ले टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर के बाद वो है कोलगेट बहेती साहब गिरडार। 21.35 का स्टॉप, 21.95 और फिर 22.30 के लक्ष्य। और मयूरेश कह रहे हैं पावर हो, कैपिटल गुड्स हो, इंफ्रा हो, ये पॉकेट्स इंटरेस्टिंग है। सीईएससी ये आज का बाय आइडिया, मीडियम टर्म में शायद अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड्स देने की कर रहा है तैयारी, इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।